मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि लॉकडाउन के बाद स्थिति सामान्य होने पर विश्वविद्यालयों में परीक्षाएं जुलाई में आयोजित होंगी। उन्होंने कहा कि यूजीसी ने इस बारे में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिन इलाकों में तब तक स्थिति सामान्य नहीं होगी, वहां आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर छात्रों को प्रोन्नत किया जाएगा। यूजीसी के दिशा निर्देश के मुताबिक पुराने छात्रों के लिए अकादमिक सत्र अगस्त में और नए छात्रों के लिए सत्र सितंबर में शुरू होगा। जुलाई में इन परीक्षाओं को किया जाएगा और जुलाई में जो परीक्षाएं होंगी, यदि जो क्षेत्र अभी उन परिस्थितियों से उभर करके नहीं आएंगे और वो कठिनाई रहेंगी उसके COVID-19 के चलते, यदि वो क्षेत्र मुक्त नहीं हुआ पूरी तरह और दिक्कतें रही, तो उन छात्रों के लिए भी, उन क्षेत्रों के लिए भी ये कमेटी ने, टास्क फोर्स ने अपनी जो संस्तुति दी थी कि उनके लिए विकल्प किया जाएगा। और विकल्प ये किया जाएगा कि उनको जो सेमेस्टर में जो आंतरिक जो मूल्यांकन है उसके ही मूल्यांकन पर उसको पदोन्नति के लिए। और लॉकडाउन के बीच भी गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाने की कवायद लगातार जारी है। इसके लिए जल शक्ति मंत्रालय के राष्ट्रीय स्वच्छ